नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। आप मेरे साथ आके ये पूरा सफर मेरे साथ इंजॉय करेंगे। दो लोग हम यहाँ पे आए हैं, मैं और मेरा भाई। तो हम लोग टोटल 160 रुपीज़ मिला है, जो कि 80 रुपीज़ पैकेज टिकट है। कुछ कुछ चीज़ें उसमें जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, आप वो पूरा कम्प्लीटली ले सकते हैं 110 रुपये में। तो आइए चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हम लोग नीचे वाला सेक्शन घूम लिए हैं, अभी जा रहे हैं ऊपर पॉपुलर म्यूजियम सेक्शन में। देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है, आइए आपको दिखाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, प्रेस द फ्लैश स्विच लिखा हुआ है, देखते हैं स्विच प्रेस करना है। ठीक है ना, अब ऐसे खड़ा हो जाएगा ना, तब तेरा वो होगा। तो ये यहाँ पे ये है शेकी पेंडुलम, देख सकते हैं आप। जैसे कि अब मैं इसको हिलाने जा रहा हूँ, ये ऐसे अपने आप मूव करेगा। या जितना तेज करेगा ना उसके हिसाब से होगा। देख देख, इसको जितना स्पीड में घुमाएगा। अब आपको हम सामने देखते हैं, ये टॉप कैसा लगता है। एक सेकंड, हाँ अबे वो रेस बच्चा। तो आइए यहाँ पे रेस का देखा जाए कितना किलोमीटर रेस हो रहा है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं साइंस सिटी के 3D म्यूजियम शो में। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली आ गए हैं 3D शो देखने के लिए। यहाँ पे 3D शो का पैकेज में ही टिकट इंक्लूडेड था। पुरानी म्यूजियम के 3rd फ्लोर में ये है 3D शो के लिए, आप आ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आप सीधा आइए, यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेंटेनेंस है, फ्रेंकली बताऊँ तो AC बहुत अच्छा चल रहा है। और सामने का नज़ारा दिखाऊंगा आपको, तो हॉल एकदम लग रहा है कि एकदम कोई मॉडर्न हॉल की तरह है। आप दिखाता हूँ एक बार नज़ारा आपको।
दोस्तों अभी आए हैं हम लोग बबल शो एंजॉय करने के लिए। बबल शो आपके म्यूजियम के पुराने म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पे आके आप लोग म्यूजियम का मजा एंजॉय कर सकते हैं। बबल शो अभी स्टार्ट होने वाला है। सामने सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी कुछ लोग सीट में बैठ रहे हैं, भरने वाली ये सीट हो, आपको मैं दिखाता हूँ क्या होने वाला है। पूरा रेनबो कलर, ये रेनबो कलर क्यों? जब हवा जब Most powerful, powerful bubble chest in the world. Oh, see, I'm blowing, huh? See. तो दोस्तों अभी यहाँ पे सबसे स्पेशल मुझे ये लगा कि ये जो ट्रेन बनाया गया, देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल ट्रेन बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं मेरे साइड में कैसे सीनैरियोज है। यहाँ पे आप यहाँ पे बैठ के
अंदर मेरी ट्रेन को मैं बाहर से आपको दिखा चुका हूँ, आप अभी देखेंगे मेरे को, मैं बैठा हूँ अंदर में, एकदम रियल फीलिंग आ रहा है, पुराना जमाने जैसे ट्रेन होता था वैसा आपको फीलिंग देगा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर खिड़की में पिक्चर्स चल रहे हैं कैसा आपको नज़ारा दिखता है ट्रेन से, एकदम रियल खिड़की लग रहा है, वो पर चलाया हुआ है कुछ मूवीज़। तो दोस्तों कोल माइन के अंदर तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, कोल माइन के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, पूरा लोग गाइड करके ले जाते हैं आपको कि कोल माइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या लाइक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, लाइक कितना हार्ड टेम्परेचर होता है, उसके बचने के लिए क्या क्या मतलब डिवाइसेस यूज़ होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि एक पंछी को भेजा जाता है कोल माइन के अंदर, अगर वो पंछी लौट के आ जाए तभी सेफ है वो कोल माइन कोल डिग करने के लिए, नहीं तो अगर वो लौट के नहीं आता है, वो पंछी मर जाता है अंदर में, तो वो वाले कोल माइन को अबैंडन कर दिया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे पता लगी।